सभी लोगों का धन्यवाद जो भी लोग आए हुए हैं हमारे इस ऑडियो रिलीज में। मुझे क्या बोलना है, रजनीश जी ने सारे चीज़ें बोल दिया है क्योंकि वो भी एक डायरेक्टर है और सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। और मुझे मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमें प्रोड्यूसर दोनों लोग बहुत अच्छे मिले, मुझे सपोर्ट किए और मैं अपनी चीज़ों को एक अच्छा बना पाया और खेसारी जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। करना चाहूँगा इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ टेक्नीशियंस जो इस फिल्म के बुनियाद हैं, उनमें हमारे कोरियोग्राफर, हमारे डांस मास्टर कानूदा, रिस्पेक्टेड कानूदा, प्लीज कानूदा स्टेज पे आए। और इस फिल्म के एक दूसरे कोरियोग्राफर हमारे रिकी मास्टर जी, प्लीज मास्टर जी आप भी आए। रिकी जी प्लीज। कानूदा जी, मैंने अपने बेटे शिवम गुप्ता को भी स्टेज बुलाना चाहूंगा, प्लीज शिवम गुप्ता प्लीज कम ऑन स्टेज। कानूदा दो शब्द इस फिल्म को लेकर के। बस सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं बहुत खुश हूँ, बस रजनी जी ने सब बता दिया है। और मैं बहुत एक गाना या दो गाना नहीं होता, बस मैंने इसमें जुड़ा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। कि म्यूजिक तो इनके बारे में कुछ बोलने कहने की जरूरत नहीं, म्यूजिक बजते ही हम शुरू हो जाते हैं, बाकी कुछ बोलना नहीं। अभी मैं रिकी मास्टर जी को दे रहा हूँ। पहली बार मैं सबसे पहले तो खेसारी जी को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। और मैं इस फिल्म के तीन या चार गाने करने वाला था, बाकी कानू जी ही कर रहे थे, बट इनके डेट का प्रॉब्लम हो गया और मेरे नसीब में आ गए वो गाने। तो मैंने कोशिश की कि जो कानू जी दे सकते हैं वो भी मैं भी करके दिखाऊं। और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर सब ने मुझ पर विश्वास किया। खेसारी जी के गाने तो वैसे भी बहुत जानदार होते ही हैं, उनकी हर फिल्म में मैं एक दो गाने करते रहता हूँ। बाकी टेक्नीशियन और सारे आर्टिस्ट प्यार करते ही हैं मुझे। मैं सिर्फ सारी शुभकामनाएं देने चाहूँगा दीवानापन की पूरी टीम को। ये फिल्म सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हो। और थैंक्स बोलना चाहूँगा रजनीश को सम्मान देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। खड़ी है इसके एडिटर साहब और जीतू जी, प्लीज जीतू जी स्टेज पे आए जिन्होंने फिल्म को एडिट किया है। बेसिकली मैं तो बहुत सी फिल्मों के 70-80 फिल्मों का मैंने संगीत दिया है, ऑडियो रिलीज में गया है, लेकिन ये कुछ टेक्नीशियंस होते हैं जो हमेशा स्टेज पे बुलाए नहीं जाते, बनाते हैं वो ये लोग हैं। तो हमारे बीच में दो शब्द बोलेंगे आप? अच्छा नहीं चाहेंगे, बस काटेंगे। इस फिल्म के गाने जिन लोगों ने लिखा है वो हमारे प्यारे प्यारे लाल कवि जी, हमारे श्याम देहाती जी और आजाद सिंह जी हैं। श्याम जी और आजाद सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं, प्लीज आप लोग स्टेज पे आए सर। को के बारे में इस बात का बहुत खुशी है कि पहला का माइक मिला है। बहुत सारे पहली बार हमें बुलाया गया, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया है। ना अपनी गदोरे से थोड़े, सबको जो लोग भी यहाँ आए हैं सबको आदर के अंदर प्रणाम है। अच्छा है, संगीतकार इसके हमारे रजीत भैया जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा संगीत दिया है और हम लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है और इसको इन्होंने बहुत अच्छा संगीत से सजाया है और पब्लिक को काफ़ी पसंद है, ऐसा हम लोग चाहते हैं। बस थैंक यू श्याम जी। और सबको नमस्कार, मेरे दोस्त और पूरी टीम को, दीवानापन के सभी टीम को बधाई देता हूँ। और इस फिल्म का म्यूजिक और फिल्म वीडियोग्राफी मैंने जाके देखा, बहुत कमाल का हुआ है। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फिल्म को जरूर देखें और इसके गाने को जरूर प्रसन्न करें। स्टेज
अकबर भैया की फिल्म कंपनी है यासी फिल्म्स और उन्होंने अपनी म्यूजिक कंपनी बनाई है और ये म्यूजिक कंपनी आज ऑडियो वीडियो सेटेलाइट राइट्स ले रही है। इस फिल्म दीवानापन का ऑडियो वीडियो सेटेलाइट राइट्स यासी म्यूजिक के पास है और हमको उम्मीद है कि अकबर भैया जिस तरह हर फील्ड में अपना झंडा गाड़े रहते हैं वैसे इस म्यूजिक कंपनी का भी नाम परचम पे पहुंचाएंगे, बुलंदी में पहुंचाएंगे और सबका सारे प्रोड्यूसर जो इनसे जुड़े उनका कल्याण होगा, उनका भला होगा। दीवानापन के लिए भैया दो शब्द जरूर कहें। दीवानापन का टेलर संजय जी ने दिखाया था हमको तो बहुत अच्छा लगा, तो हमने इनको बोला कि जो भी प्राइस आपको चाहिए आप दे ले लो, लेकिन मुझे ये देखो तो हमने इसको दिया और भगवान करे ये पिक्चर सुपर डुपर हिट हो। और हम अभी ऐसे तो बहुत सारी फिल्में लिया है लेकिन ये फिल्म बहुत ही अच्छा लगा हमको और जरूर हिट होगा। खूबसूरत है उतनी इनकी वाणी भी खूबसूरत है, हम सब सुनना चाहेंगे, दो शब्द जरूर कहें आप इस फिल्म के बारे में। पहले जय माता दी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं जब इस फिल्म के लिए गई थी शूटिंग के लिए मैं किसी को नहीं जानती थी, बट जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो जितने भी प्रोड्यूसर सर, डायरेक्टर सर, जितने भी हैं सब एक फैमिली की तरह बन गए थे और इनफैक्ट हम लोग को ऐसा लग रहा था कि शूटिंग कंटिन्यू चलता रहे ये खत्म ही ना हो। और जिस लास्ट डे हम लोग जा रहे थे एकदम इमोशनल हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि बस शूटिंग चलता रहे। और हमारे कोरियोग्राफर सर रिक्की सर, कानू सर, इनफैक्ट खेसारी जी मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं एक्टिंग के टाइम, और सब डायरेक्टर सर हमको बहुत अच्छे से करते थे, ट्रेनिंग देते थे, प्रोड्यूसर सर, ये तो सर मतलब ऐसा फैमिली ऐसा हो गया है कि मैं क्या बताऊँ। अगेन अगर कभी मौका मिले इनके साथ काम करने के लिए तो मैं बहुत लकी सोचूंगी अपने आप को। और मूवी तो आप लोग देखेंगे और मुझे भी उम्मीद है ये सुपर डुपर हिट होगी और थैंक यू सो मच। हाँ करते और अब हमारे लाडले स्टार जो इस फिल्म के सुपरस्टार हैं, जो फिल्म के मुख्य अभिनेता हैं, मैं इसलिए उनको लास्ट में बुला रहा हूं। एक तो भाई दूल्हे को लास्ट में ही मतलब तरजीह देके बुलाई जाती है, दूसरी बात ये शादी के हाथ में अगर माइक पहुंच जाता तो किसी को बोलने नहीं देता, तो मैं सोचा कि बाद में ही बुलाता हूं। अरे हाँ तो बुला रहा हूं सर, वो उनका अधिकार क्षेत्र है, इसलिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सारी लाया हुई स्टेज पे आए। और एक्चुअली क्या है मैं जितना बोलना था बोल लिया गया, बोलने तो देगा नहीं मुझे, तो आपके लाडले स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जो आज आसमान की बुलंदी पे हैं लेकिन इनको पता है कि जमीन इनका कहां पे है, प्रोड्यूसर का जो दर्द समझता है, जो 104 डिग्री बुखार में भी काम करने से एतराज नहीं करता, जो दिन और रात काम करने की क्षमता रखता है, सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के अगले दिन 7 बजे तक अगर डांस करना हो तो भी करता है, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा इंसान जो फिल्मों के लिए डेडिकेटेड है, संगीत में गाने बजाने में अपनी एक अलग उपलब्धि, एक अपना मुकाम पाने के बावजूद भी आज सिनेमा के प्रति इतना समर्पित है, ऐसे स्टार के लिए चाहूं कि आप जोरदार तालियां बजाएं। और थोड़ा बहुत बोल देना, मैं भी बोलूंगा तो अगली फिल्म में मेरा रिकमेंड करेगा ना। और मैं चाहूंगा कि खेसारी लाल जी अब आप संजय पांडे जी और मटरू जी को बुलाएं और हमारे इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार संजय पांडे जी मैं चाहूंगा इस फिल्म से जुड़े हुए। संजय पांडे जी प्लीज स्टेज पे आए सर। और जैसे स्वर्गलोक में नारद मुनि की मुनि का स्थान होता है वैसा ही हमारे बीच में एक नारद मुनि का स्थान प्राप्त कर चुके मटरू जी हैं। मटरू जी प्लीज स्टेज पे आए। और एक और गणमान्य स्टार हमारे बीच में है अवधेश मिश्रा, मैं चाहूंगा कि अवधेश मिश्रा भी स्टेज पे आ जाए। बाबा आपके बिना ये अधूरा लग रहा सब, एक चांद चाहिए काली जुल्फों के बीच में। यस ये अधिक अच्छा है।
और इस फिल्म से जुड़े हुए संजय महानंद जी और संजय वर्मा जी। संजय जो है, देखिए एक स्टेज तीन संजय को कैसे संभालेगा, चार संजय हो गए, अरे वाह चार संजय हो गए, अब सब संभाल लेंगे, चार हो गया तो संभाल लेंगे। अब खेसारी लाल जी को मैं माइक दूंगा कि प्लीज आप जो उद्गार व्यक्त करना है अपने दिल की करें। नहीं हम यह ठीक है, यहाँ ठीक नहीं है का, आप खोदेंगे का हमको कुछ नहीं, यूँ ठीक है बनी। सबसे पहले जितने लोग मेरे सम्मानित लोग हैं, मास्टर जी, हमारे इस टेक्नीशियन जितने भी जुड़े हुए हैं, रजनीश भैया और हीरा मास्टर भाई आए हुए हैं जो कि फाइट मास्टर है हमारे, वो भी आ जाए, अब सब लोग आइएगा, दत्तू का खाली रहोगा अभी भी ऐसे लेके जितने लोग हैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जितने लोग हैं सबका नाम ले तो हम लोग किरण डूब जाए, ऐसे सबके पैर छू के प्रणाम करा था। नहीं आ जाए हीरा जी, आइए और ये दीवानापन एक मूवी जो संजय जी ने, अमित जी ने, सूरज जी ने मेहनत किया और शिवम जो शिवम कहाँ हो तो बहुत मेहनत किया, संजय जी का लड़का जो शिवम है काफी योगदान था इसका, 24 घंटे हम लोग का ख्याल रखता था याद में, लव यू कुछ भी पेप्सी घटता था तो यह लाता था संजय जी पेप्सी पीते है ना, हाँ ये पेप्सी डायबिटीज है ना इनको इसलिए दीवानापन जो मूवी थी वो काफी एक अलग लोकेशन और बड़ा मजा आया मुझे। मैं एक महीना, मुझे लगता है कि जिला चंपारण के बाद पहली कोई मूवी थी जिसको मैंने ज्यादा दिन तक शूट किया, तो काफी टाइम शूट हुआ हम लोग का, कम से कम 32-33 दिन, और काफी अच्छी मूवी बनी, सबका अपना अपना योगदान रहा उसमें। और ये सेकेंड हीरोइन बहुत अच्छा बोलती है, मुंह से बोल रही थी ना, कहाँ से बोले, बंगाल से है ना, बाउंड कहाँ के हाँ? अब इंग्लिश नहीं समझ में आता है, बाउंड अब बाउंड बेटा कहूँ तो हम का बुझा, जो भी है बंगाल से है लेकिन भोजपुरी में काम कर रही है आज, इनके पापा वहाँ के हैं, इनकी मम्मी बंगाल की है, ये ना है हमारा गाँव का मुनिया के लोग पलांटी मारे ला अच्छा है, अच्छी है ये, इनके मम्मी बंगाल से है, इनके पापा बिहार से है ना, हमारे गाँव के हम गए पड़ोसी हम लोग तो इन्होंने काम किया है और बड़ा खूबसूरत इन्होंने काम किया है और सबने अच्छा काम किया है, मेरे से जितना हो सका मैंने किया है। एक प्रोड्यूसर का दर्द जो होता है मैं समझ सकता हूँ, इससे ज़्यादा क्या हो सकती है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर रातों दिन जग के एक फिल्म बनाता है और उसका रिजल्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर एक और आए हैं उन तो बता ही देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को बड़ा प्यार देते हैं रिलीज होने के बाद। हाँ बहुत, निशान जी आइए ना सर, आइए ना निशान जी आइए, जब तारीफ सबकी हो रही है तो काय खाली रहिएगा, नहीं आ जाएगा उसको हार्नेस बनकर टांग देते हैं आइए निशान जी आइए। तो हम फिल्म इतने शौक से बनाते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी शौक है से रिलीज करते हैं, सिर्फ ही लोगों का शौक पूरा होता है बाकी प्रोड्यूसर का हो जाना अरे नहीं, ये हमारे निशान जी हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं ये, जब भी मिलता हूं तो इनका पैर छूता हूं तो भारी आशीर्वाद मिलता है मुझे, शरीर के हिसाब से आशीर्वाद का भी योगदान इनका रहता है। और जब ये फिल्म रिलीज करते हैं तो आज बिहार के किंग हैं ये, जब भी कोई फिल्म रिलीज करते हैं तो एक अद्भुत बड़े सिनेमा और स्टारों को कैसे दिखाया जाता है, प्रमोशन में जाते हैं तो इनका योगदान रहता है, 3-3 दिन होटल में बैठा देते हैं, लेके नहीं जाते हैं, हम खिलाड़ी वाला नहीं बोल रहे हैं, कोई दूसरी फिल्म का तो ये चीजें है, ये हंसी मजाक की बात है। निशान जैसा प्यारा ये मुझे नहीं लगता कि कोई धरती पे है, ये हर आदमी के लाडला है, अभी भैया के गोद में बैठते हैं इतना भारी आदमी, अभी भैया तो आज पूरी इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं
एक बाप का प्यार हर आदमी को देते हैं ये, और मुझे भी कभी भी जरूरत पड़ी है तो मैं किसी से मदद नहीं मांगता अभी भैया के छोड़ के, तो मैं चाहूंगा अभी भैया के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और ऐसे ही हमारे भोजपुरी के ऐसे भी विश्व पितामह है ये, हमारी कोई भी महाभारत की कहानी फंसती है तो इन्हीं के लगे जाती है। तो ये महाभारत है, हर आदमी एक दूसरे से लड़ता है भिड़ता है, लेकिन अंत में जो अच्छा होना होता है वही होता है। तो कहीं ना कहीं अभी भैया का बहुत बड़ा योगदान इंडस्ट्री के ऊपर है, और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही भगवान हमारे उम्र से भी 5 बरस भैया को दे दे, ताकि ऐसे ही उन्नति करते रहे और ऐसे ही हेल्प दुनिया की करते रहे। और हमारे निशान भाई बिहार से चल के आ गए यहाँ पे दीवानापन खरीदने के लिए, खरीदने के लिए आए ना। मेरे हाँ इतना डिमांड है इस फिल्म का, जी बिहार से चल के आ गए कि कोई बहके ना, यह रिलीज करेंगे। तो ये रिलीज करेंगे और मैं चाहता हूँ कि भव्य तरीका से कम 15-20 हॉल से करिएगा। अरे नहीं 115 हमारा एक बार में लगता है, 100 लगाना भूल गए सॉरी, आप लोग प्लीज ये सब मत छापिएगा, 100 लगाना भूल गया, 115 थिएटर से जरूर रिलीज करेंगे, क्योंकि इनके पास अपना एक चैन है। और ये सब मजाक की बातें चल रही थी, और सच में सीरियसली निशान भाई जो भी फिल्में रिलीज करते हैं उनकी एक अच्छा असर होता है नो डाउट, और पूरी इंडस्ट्री जानती है, हम ही नहीं ये पूरी दुनिया जानती है भोजपुरी इंडस्ट्री की। तो प्यारे भाई हैं हमारे और लव यू की, ऐसे ही भगवान करे कि इनके मोटापे में और बढ़ोतरी हो और मोटा जाए, जितने भी प्रोड्यूसरों का पैसा है सब घुस जाए। ईश्वर ईश्वर थोड़ा सा इनको और बड़ा करे, ताकि हम लोग भी कहें कि हमारे टारगेट में मैं नहीं लेता, अपने भाइयों को टारगेट में नहीं लेता। माइक सही भड़ास निकालना। चलिए लव यू ऑल टीम, सबको दिल से प्रणाम। हमारी बातों को अगर किसी को बुरा लगा तो सॉरी, मस्ती करता हूँ हम, ऐसा ही हम बुखारों में ऐसा ही बोली ले, दर्द हो चाहे कुछ हो ऐसा ही हम बोली ले, का करी बोले के बीमारी बम ऊपर मीटर तक लागल लेके। और इस फिल्म से जुड़े हुए हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार अभिनेता संजय पांडे जी, तो शब्द क्या है मुझे कुछ नहीं बोलना, बाकी सारी बातें खेसारी जी ने कह दी है। इसमें तो नहीं शक कि ये फिल्म जहां शूट हुई है खजुराहो में, भोजपुरी की पहली फिल्म है जो मध्य प्रदेश में पहुंची है, अपने आप में वो लोकेशन एक ऐतिहासिक है, इतिहास में खजुराहो का अपना स्थान है। अभी पता नहीं किसका दिमाग था खजुराहो जाने का, जिसका भी था बहुत अच्छा था, हम सब लोगों ने खजुराहो में बहुत एंजॉय किया। संजय जी थैंक यू, प्लीज आप आ जाइए एज ए प्रोड्यूसर, इनकी तरफ से किसी एक्टर को किसी टेक्नीशियन को कोई दिक्कत नहीं हुई सेट पे, इस बात की भी संजय जी बधाई की बात है। हमारे डायरेक्टर सूरज जी, प्लीज सूरज जी उधर छुपिए मत, आप लोग बधाई की बात है, आप लोगों ने एक फिल्म को अच्छा मोड़ दिया है, अच्छा वो दिया है, एक अच्छी कहानी को प्रॉपर रूप दिया है। अमित जी प्लीज, अमित श्रीवास्तव जी, ये लोग जिन्होंने मेहनत की, और खेसारी जी खैर मैं तो मैं एज एन एक्टर इस इंसान का फैन हूं मैं, कि प्रोड्यूसर के हिसाब से अगर आपने 35 दिन शेड्यूल डिसाइड किया है तो ये इंसान 30 दिन में पिक्चर खत्म करके लौटता है। ये बंदा सेट पे जाता है तो फिर मेकअप में या वैनिटी मैन में लौटता ही नहीं है। ये जादू, ये स्फूर्ति, ये एनर्जी ईश्वर खेसारी जी के अंदर ताम्र बना के रखे, ऐसे एक्टरों की ऐसे प्रोफेशनल लोगों की भोजपुरी में बहुत जरूरत है। प्लीज, म्यूजिक की बात हो रही है और म्यूजिक डायरेक्टर रजत मिश्रा जी की बात नहीं हो रही, जो हमारे स्टेज पे है और सबका सबका अभिवादन कर रहे हैं, मैं चाहूंगा सब उनके जोरदार तालियां दें प्लीज। आप लोग का सबका साथ सबका विकास। हमारे इंडस्ट्री के बहुत अच्छे कलाकार संजय पांडे जी को आपने सुना, अब इस फिल्म से जुड़े हुए एक दूसरे संजय जी, हमारे संजय महानंद जी, दो शब्द आप भी कहें। रियली हम सब खजुराहो जाकर बहुत ही एंजॉय किए, और फिल्म की शूटिंग जिस तरीके से हुई, सूरज जी, संजय जी, अमित जी, इन सब ने जो एक परिवार बनाया, एक टीम बनाया, उस टीम का मैं हिस्सा हूँ, इस बात का मुझे गर्व है, मुझे बहुत खुशी है। लव यू आप सबको। नरसू जी आगे।
इसके साथ ही दीवानापन का ऑडियो रिलीज किया जाता है। प्ले द सॉन्ग। ऊपर करो जब गंगा से डायरेक्टर सूरज शाह जी हैं, हमारे प्रोड्यूसर संजय श्रीवास्तव जी, संजय गुप्ता जी, अमित श्रीवास्तव जी और मैं, हम लोग के लाडला जो है शिवम, बहुत सारा योगदान है सबका। और काशन रघवानी है, अमृता अमृता पांडे जी हैं, तो सबने अच्छा योगदान दिया। संजय पांडे से लेकर संजय मटरू जी, जो भी कलाकार है, हीरा मास्टर से लेकर कानू मुखर्जी से लेकर हमारे डांस मास्टर विकी मास्टर जी, तो सबने अपना योगदान दिया। नीलम पांडे जी जो हमारी माँ के रोल में, तो सबका अपना अपना योगदान और फुल एनर्जी के साथ ये फिल्म बनी है। लोकेशन बड़ा प्यारा था, कहानी बड़ी अद्भुत थी, गाने इसके जो म्यूजिक है, मुझे इतने इधर जितनी फिल्में के सबसे मुझे लगता है बहुत बेस्ट म्यूजिक है इसका, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर हमारे रजनीश मिश्रा जी हैं, मेहंदी लगा के रखना के डायरेक्टर, तो कहीं ना कहीं कंप्लीट एक मूवी बनी है। और इमोशन एक नॉर्मल हमारा आदमी कैसे किसी से मोहब्बत कर लेता है, उसके असर क्या होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे रियल जिंदगी से जुड़ी हैं। तो कहानी की अगर बात करें कैसा जी, तो खजुराहो का जो अभी चर्चा हो रही थी, तो क्या कुछ स्पेशली ऐसा रिक्वायरमेंट था कि हाँ खजुराहो में शूट होना चाहिए? नहीं, कहानी का ऐसा कहानी का कोई डिमांड नहीं था, एक हमें देहात चाहिए था, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था, तो हमें डिस्टर्बेंस भी वहाँ पे नहीं हो पाया। और वहाँ की पब्लिक में कि हमारी हमें शांति थी, भोजपुरी के लोगों को पास शांति थी, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करती थी। और दूसरी ये चीज़ था कि फ्रेश लोकेशन हम हर जगह, जैसे राजपिपला से लेकर गुजरात झारखंड हर जगह हम लोग जाकर शूट करी, तो एक नया लोकेशन हमें मिला। और वहाँ पर जो सिटी है वो बड़ा प्यारा है, वहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, सब ने कॉपरेट किया और एक अच्छी मूवी बनाने में वहाँ के भी लोगों का बहुत बड़ा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में काजल जी के अलावा और भी एक्ट्रेस है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी ड्यूटी कभी काजल जी के साथ ही होती है, ऐसी क्या बात है कि सफलता जो है काफ़ी मिलती है आप और काजल जी के साथ में होने के? ज़रा इसको क्लियर करते, पूनम पांडे का कुछ बीच में नाम आया था, वो कह रहे थे कि पूनम दुबे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको क्लियर कर दूँ कि उस सिनेमा में शुभी शर्मा थी साइन, जब मैं साइन हुआ था तो शुभी शर्मा थी। शुभी शर्मा को अचानक से हटाकर दो दिन पहले मुझे पता चला कि पूनम दुबे हैं, पूनम दुबे से मुझे कोई गलती नहीं, लेकिन वो भी एक एक्टर है जो पहले साइन थे। क्या कारण हटाया, कैसे हटाया आपने, क्योंकि देखिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरे सामने कोई खड़ा होता कैरेक्टर हो। अभी अब अपनी शुभी का चर्चा किया, उसमें एक और हीरोइन थी जिनका नाम था अर्चना सिंह, तो मैं हर हीरोइन के साथ काम करता हूँ, प्रोड्यूसर जिसको लाता है मैं काम करता हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप किसी को हटा कर किसी को रखें, ये मैं काम नहीं करता। तो शुभी को आप क्यों हटाए मुझे जानना ज़रूरी है। मैं उस पर अड़ गया कि नहीं, शुभी अगर थी पहले जब मैं साइन था तो शुभी थी, अचानक से कोई लड़की हटके और अचानक से कोई क्यों घुसे, उसका भी अपना इमोशन है। तो और मेरे सामने कोई खड़ा हो तो एक एक्टर होना चाहिए ना, मैं किसी के सामने काम तो कर नहीं पाऊँगा। सब लोग अपने जगह पर अच्छे एक्टर हैं, अच्छा काम करते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सबके अपने काम करने का तरीका है। चलते चलते आखिरी सवाल, आज यहाँ पे काजल जी नहीं दिख रही हैं, कुछ समस्या? फुफा जी का देहांत हो गया, उसके वजह से काफ़ी दो दिन से डिस्टर्ब हो गया, तो वो सुबह की फ्लाइट से चले गए और मेरा कुछ काम था तो मैं शाम की फ्लाइट से, मैं तो वहीं फ्लाइट से आया, 11 बजे की फ्लाइट से पूना चले गए। शायद हम लोग दोनों पटना में ही थे, क्योंकि वहाँ पर मेरा शो था लगातार, मेरा और काजल का लगातार 3-4-5 शो था वहाँ, तो इसकी वजह से हम गए थे, उनको भी आना था, लेकिन अचानक से ये सब हादसा हुआ, उनको जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं है।
चलते चलते आखिरी सवाल, दीवानापन से कितनी आशाएं अपेक्षाएं उम्मीद हैं? देखिए, हर आदमी को अपने बेटे से उम्मीद होती है कि मेरा बेटा अफसर बने, हर माँ को उम्मीद होती है। तो हमारे लिए हमारा फिल्म हमारी माँ है, तो कहीं ना कहीं और हमारी पब्लिक जो है हमारे लिए भगवान है, तो हम बस पूजा कर किए हैं। बाकी फल देना तो पब्लिक के हाथ में है कि कितना फल देती है, बसरते हम कोशिश किए हैं कि हर चीज़ मनोरंजन से लेकर इमोशन से लेकर एक कमर्शियल मूवी, एक कहानी, एक घर परिवार की बातें, एक घर की चर्चा, एक कलाकार की चर्चा, जो भी एक मूवी में होना चाहिए, एक पूर्ण कहानी के रूप में दीवानापन बनी। मैं डबिंग किया तो मैं खुद ही रोने लगा, मेरी खुद आंखों में आंसू आ गए, मैं आधे घंटे तक डिस्टर्ब हो गया जो लास्ट क्लाइमेक्स उसका चला। तो कहीं ना कहीं है, कोशिश है हमारी, बाकी ईश्वर के हाथ में, हमारी पब्लिक की बात करें तो हमारी पूजा आ गई है बीच में। ये लोग प्रोड्यूसर नहीं है मेरे लिए, और मैं किसी के साथ भी काम करता हूँ तो प्रोड्यूसर के हिसाब से उनके साथ भी काम नहीं करता। ये लोग, इन लोगों ने मुझे भाई की तरह ट्रीट किया वहाँ पे, भाई की तरह मोहब्बत दी, भाई की तरह प्यार किया, और मैं भी भाई की तरह ही काम करके आया। ऐसे हीरो काम में नहीं कर पाया, क्योंकि एक हमारी फैमिली है, और अगर हम हीरो और डायरेक्टर जो भी है अगर फैमिली बन के काम ना करें तो शायद हम अच्छे काम नहीं कर पाते। हर आदमी अपने ईगो में जीता है, लेकिन मेरा एक नेचर है कि मैं जब भी जाता हूँ फर्स्ट डे से सबको अपनी फैमिली की तरह मानने लगता हूँ और मोहब्बत हो ही देता हूँ। तो हम एक फैमिली की तरह इस मूवी को बनाकर लेकर आए, और संजय जी, अमित जी, सूरज जी, शिवम, जितने भी इसे फिल्म के फाइनेंस स्तर से जुड़े थे, कहीं ना कहीं उन लोगों का सबका अपना एक योगदान था और सबकी एक मोहब्बत थी। 12 बजे रात को भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो ये लोग तुरंत लेकर आते थे और तुरंत हमें साधन मिल जाते थे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का एक मोहब्बत था, और एक अच्छी मूवी बनाने का इन लोगों ने काम जो किया है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इन सब का, जिन लोगों ने एक अच्छी मूवी बनाई। डांसर भी हैं बहुत अच्छी, अद्भुत एक्ट्रेस भी हैं, इनके लिए पहला मूवी है भोजपुरी का। मैं पूरी बस दुनिया से प्रार्थना करूँगा जो भोजपुरी गुजरात में, इनके भविष्य के लिए आप भी प्रार्थना करिए, उसे आप जैसे आप लोगों ने सारे स्टारों को इतनी मोहब्बत दी, इनको भी वो मुकाम आप लोग दीजिए, क्योंकि ये चीज़ आप ही दे सकते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनके दो गाने हैं और बाकी मूवी में इनका भूमिका ऐसा है कि मैं क्या बताऊँ, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हम लोगों एक नई जो एक नए से डरता है आदमी, वो डर इनके अंदर नहीं थी, क्योंकि हम इनको कम्फर्ट कर चुके थे। इनको मैं एक होता है ना कि एक स्टार की गरिमा के से लोग डर जाते हैं कोई नया होता है, ऐसा कभी मैं भी इनको महसूस नहीं होने दिया और हम लोग कम्फर्ट होकर काम किए। जी जी मैडम, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो खेसारी के साथ आपने काम किया, खेसारी जी के साथ क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं अमृता पांडे और ये मेरी मूवी है। और जब मैं खेसारी जी के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही थी तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये पूरे प्राउड में मुझे एकदम नेचुरल वे बहुत अच्छे से एकदम पोलाइट थे मुझसे बात किए, और इनफैक्ट उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे करना है वैसे करना है, मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं लगा कि मैं एक स्टार के साथ काम कर रही हूँ, और कॉमन मैन जैसे होते हैं उनसे हंसते थे, बोलते थे, बात करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे हमेशा, शेड पर बोलते थे। पहले मैं आती थी तो चेयर पर बैठी, अब बैठे चेयर ला के दो, मतलब इतना रिस्पेक्ट। मुझे इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगी कि अगेन इनके साथ काम करूँ, मतलब बहुत अच्छा। जी आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मेहनत करके और एक परिवार एक फैमिली के माहौल में शूट किया है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा है। जी, लेकर कितनी आशाएं अपेक्षाएं हैं और खेसारी जी के साथ काम करके कितना प्राउड फील कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत सहयोग हो गया, तबीयत भी खराब हो गया एक दिन, उसके सारे स्टार्स ने बोल दिया, उसको कॉपरेट किया तो पहली बार आया मूवी में, लेकिन लगा नहीं सारे लोग बोल सकते होगी सर काम किया। मुझे क्या कहना है कि मैं जो भी आर्टिस्ट हैं सब लोग और लोगों की मेहनत से कैसा रहा अनुभव खेसारी जी के साथ, क्या कुछ शेयर? अच्छा रहा।
खजुराहो कौन लेके गया था, आप लेके गए थे या खेसारी जी लेके गए? खोज किसके थे? मेरी थी, क्योंकि मैं पहली बार जा चुका हूँ। तो क्या देखने मिलेगा खजुराहो का इसमें, इस पिक्चर में अगर बात किया जाए तो? अभी तक लोगों ने केवल सुना है खजुराहो के बारे में, क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं? थोड़ा सा क्ल्यू दें उसके, खजुराहो के बारे में यार। राम भाई तुम्हारा सर आ रहा है, कितनी आशा है, अपेक्षा है इस फिल्म से? जिस हिसाब से हम लोगों ने मेहनत किया है और मेरी आशाएं और इसलिए बढ़ गई कि फाइनल रिजल्ट में। काजल, काजल के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत हार्ड है, दूसरी पता चला है एक अच्छे कलाकार के साथ साथ अच्छे इंसान है। दर्शक से कहूँगा कि बार जरूर देखें, लोग कहते हैं हमारे पारिवारिक फिल्म, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक एंटरटेनमेंट फिल्म है, लेकिन आपको पब्लिक नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। कभी भी आपको मतलब पब्लिक खुद बोले दीवानापन को, एंटायर टीम को आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं होगी? और आपने देखा ट्रेलर, देखा गाना सुना, क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे? ट्रेलर बहुत अच्छा है, गाने बहुत अच्छे हैं, गाना चूंकि रजनीश मिश्रा जी ने बनाया है, उनके गाने कभी खराब होते भी नहीं। बस आज के दिन इस फिल्म के निर्माता संजय जी और अमित जी को, निर्देशक सूरज जी को बहुत 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 दिल से बधाई देना चाहूँगा कि उनकी फिल्म यह दीवानापन वाकई ऐसी दीवानगी ले आया है कि सब झूम उठे। फिल्म अच्छी है, ट्रेलर के हिसाब से बहुत अच्छी है, स्टार का बहुत अच्छे हैं, खेसारी लाल यादव जी हैं, काजल राघवानी जी हैं, मतलब एक सुलझा हुआ डायरेक्टर है इस फिल्म का। उन्होंने जब सिनेमा बनाया होगा तो बहुत बढ़िया बनाया होगा, संगीत अच्छा है जो फिल्म का बड़ा बैकबोन होता है। मिला जुला करके यही कह सकता हूँ जितना ट्रेलर देखने के बाद कि फिल्म अच्छी है और अच्छी चलनी चाहिए। सर जैसे कि पीछे पोस्टर दिख रहा है आजकल एकदम अलग हटके, पूरा हरी हरी वादियाँ दिख रही, क्या कहना चाहेंगे? हालांकि वो है नहीं अवधेश जी इस फिल्म में, तो हरी हरी मैं नहीं हूँ, लेकिन हरी वादियाँ आजकल हर फिल्म में होती है। हरी वादियाँ मतलब ये प्यार का प्रतीक है, ये नाम भी दीवानापन है, तो दीवानापन तभी होता है जहाँ मोहब्बत होती है, मोहब्बत में ही दीवानगी होती है, तो हरी वादियाँ तो होना चाहिए, एक खूबसूरती बढ़ जाती है। आजकल लोग अच्छे लोकेशन भी ढूंढते हैं फिल्म शूटिंग के लिए, लोकेशन की प्राथमिकता ज़्यादा आजकल लोग करते हैं। इस फिल्म की शूटिंग जहाँ हुई है ऑलरेडी प्यार के प्रतीक है खजुराहो। बैडमैन एक गुडमैन बन गया है सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं गुडमैन हूँ मैं, गुडमैन हूँ मतलब शराब छोड़ देना गुडमैन नहीं होता है। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं टोबैको नहीं खाता हूँ, सब बुरी आदतें थी, वक्त के साथ सब छूट जाता है, चूँकि अभी मेरी भी दीवानगी केवल सिनेमा से है। मुझे लग रहा था कि ये सब सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब करती है लाइफ को, कि अब शाम हुई तो कुछ चाहिए, दिन में कुछ चाहिए, दोपहर को कुछ चाहिए, तो ये कुछ चाहिए जो हमारे काम को बाधित करती है। जहाँ जो चीज़ हमें ये पता लग जाए कि जो चीज़ हमारे प्रोफेशन, जो हमारी पूजा, जो हमारी शक्ति है उसमें बाधा उत्पन्न करे, उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पूजा तो एक ही होगी, या तो ऊपर रब से दिल लगाए या फिर बाकी चीज़ों से दिल लगाए, पर हमारा रब हमारा काम ही है, तो काम से ही मैंने दिल ऐसा लगा लिया है कि बाकी चीज़ों की दीवानगी अब रह नहीं गई। जी सर बात कीजिए जैसे कि बैटमैन पर्दे पे आप एकदम खलनायक, एकदम तेजराज, इन लोग खुखार नजर, लेकिन आजकल आप थोड़ा सा अपने आप को चिन्ह कर लिए हैं, कभी एक इमोशनल बाप तो कभी एक, देखिए एक एक विलन, एक मेरे हिसाब से किसी एक्टर के लिए एक पहचान बनानी पड़ती है, एक उनका अपना अस्तित्व होता है, जो मेरा अस्तित्व है खलनायकी, लेकिन खलनायकी के बाद जो जो मैंने किरदार किए हैं वो किरदार निश्चित तौर पर एक एक्टर के लिए जीवन में एक मिसाल कायम करती है। मैंने पॉजिटिव रोल किए, मैंने कॉमेडी किया, मैंने सीरियस रोल किया, सब तरह के अभी शायद ट्रेलर दिखाया जा रहा है। चलते चलते आखिरी सवाल, आज काजल राघवानी यहाँ पे नहीं है, कुछ समस्याएं मैंने उनके साथ देखा, उनके फैमिली के साथ एक हादसा हुआ, उनको फुआ फुआ जी का डेथ हो गया है, तो हमारी संवेदना है उनके साथ, मिलने भी जाएंगे उनसे,
पूरी इंडस्ट्री उनके साथ है, उनके दुख उनके साथ है, इस वजह से आज नहीं आ लोकेशन पे इस फिल्म की कास्टिंग, इस फिल्म का डायरेक्शन, इस फिल्म की कोरियोग्राफी, सारी चीज़ें आपको बहुत खूबसूरत मिलेंगी। भोजपुरी में एक फ्रेश फिल्म बनेगी। अब बहुत दिनों के बाद एक अच्छी फिल्म है, फाइट बोले, गाने बोले और किरदार उसमें आपका बोले। किरदार तो बहुत इंटरेस्टिंग मेरा, लोकेशन के साथ फिल्म में करेक्टर सारी चीज़ें इतनी डिफरेंट है कि एक्टर को करने में मज़ा आता है। तो मेरे ख्याल से ये फिल्म मेरे लिए बहुत डिफरेंट फिल्म है और किरदार भी बहुत डिफरेंट है। कहानी आपको दोनों को तो रिवील हो जाएंगी इसलिए कहानी नहीं बोलूँगा, बट सच में डिफरेंट है। इस फिल्म की कोरियोग्राफी, इस फिल्म का डायरेक्शन, सब कुछ बहुत डिफरेंट है। हाँ, खजुराहो की चर्चा चल रही थी और छेड़ा भी आपने खजुराहो का। खजुराहो अपने आप एक हिस्टोरिकल प्लेस है, उस हिस्टोरिकल प्लेस पे इस फिल्म को बनाना अपने आप में भोजपुरी में नया स्टेप जो हमारे संजय जी ने किया, ये भोजपुरी को भोजपुरी ऑडियंस के लिए बहुत ही फ्रेश पैकेज। चलते चलते आखिरी सवाल, काजल राघवानी आज यहाँ पे नहीं है, उनके उपाध्यक्ष का कुछ ध्यान हुआ है, क्या कहना है? रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। काजल इस फिल्म में इतनी खूबसूरत लगी और जो परफॉर्म किया उन्होंने, नो डाउट शी इज अल्टीमेट। क्या क्या कहना चाहेंगे आज उनके फूफा जी नहीं रहे हमारे बीच? देखिए, किसी का गुजर जाना तो अपने आप में दुखद है, कोई करीबी हो, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, हम उनकी इस दुख की घड़ी पर उनके साथ हैं। संजय पांडे जाएंगे पूना? मुझे रिपोर्ट ही अभी मिली, मुझे तो कोई खबर ही नहीं पता। ये खबर मुझे अभी आप लोगों के ही माध्यम से याद मिली कि उनके फूफा जी हैं। दीवानापन का म्यूजिक लॉन्च हुआ, बहुत ही एक अलग तरीके का म्यूजिक था, देख के लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। और गानों की बात करें तो आपने कोरियोग्राफी की है, कितनी खुशी हो रही है सब देख के और लोगों का कमेंट मिल रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? नमस्कार, मैं रिकी गुप्ता। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि म्यूजिक इस फिल्म का बहुत ही शानदार है, करोड़ है और पहली बार मुझे मौका मिला है कि खेसारी जी के पूरे गाने में कर सकूँ। मैंने इस फिल्म में हर गाने में एक अलग अलग कलर देने की कोशिश की है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। देखिए, ये गाने धूम मचाएंगे, ये बहुत से गाने हो चुके हैं, एक मेडली भी है इसमें जिसमें हमारे दो तीन कोरियोग्राफर के गाने हिट गाने हैं जिसको एक बना के किया जा रहा है। मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा बल होगा और हमेशा से मैं बहुत अच्छी कोशिशें करते आ रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे गाने भोजपुरी ऑडियंस को दे सकें, जो सुनता ना हो और डांस से भरपूर हो, मज़ा हो और लोग एंजॉय करें। थैंक यू। कौन सा गाना था, गाने की अगर बात करें, कोरियोग्राफी की बात करें तो कौन सा था? अच्छा, दीवानापन के लिए, अरे गानों की बात करें तो बड़ा खूबसूरत गाना बना हुआ है और कितना चैलेंज था एज ए राइटर लिखना, गाने को लिखना और खास करके खेसारी को जब ध्यान में रखते हैं तो अच्छे अच्छे का कलम बोलते ना कि कांप जाता है, क्या कहना चाहेंगे? साथ काम करना बहुत आसान है, उनको बहुत मेहनत करते हैं, अपने ऊपर गीत के ऊपर संगीत के ऊपर, क्योंकि बहुत बहुत धुनी आदमी है और हम लोग आए हुए सिचुएशन में ही जाता है तो हम लोग ऑप्शन भी रखते हैं, बताते हैं न्यू डॉक्टरों को हम लोग ये सोचा है कि वो भी अपना सजेशन देते हैं, न्यू डॉक्टर देते हैं, खेसारी देते हैं और खास कर उनका सजेशन पूरा उनका भी बनाया होता है, कल्चर गीत बनता है और ये जो कितना डॉक्टर था क्योंकि इसमें काफ़ी हम लोगों ने मेहनत किया 2 महीना ये संगीत में, तो तब जाके बात करी बल्कि आई अच्छी अच्छी उसको जो बनाए हैं। तो कौन सा गाना अगर बात करें कि आपके दिल के करीब, हालांकि सभी गाने आपके दिल के करीब होंगे, और कौन सा गाना गुनगुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? गाना इस फिल्म में सारे अच्छे हैं, सुना भी रहे हैं हमने और मेरा एक अच्छा इसमें गाना था, गुलर कुरते में लगा के गुली कर रही, ये गाना मैंने का डॉट पे लिखे हैं, सारे गाने अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि दर्शकों को इस गाने को प्यार, हम लोग मेहनत किए हैं इसमें बहुत ज़्यादा और जैसे बाकी गानों को हम लोग का प्यार मिलता है, जो भी हमारे दोस्त या सुनते हैं हमारे गाने को बहुत ज़्यादा सुने, शेयर करें और इस गाने को हिट बनाएं ताकि हम लोग को प्रोत्साहन मिले
प्यार करती है, श्रोता गण है, जैसे हम जैसे संगीतकार सबसे आज करके विनती करता हूँ कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, देखें और फिल्म को हिटाएँ और समझें।